हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन डिजिटल क्लास ऑफ एलबी स्कूल। माय डियर फ्रेंड, टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट फर्स्ट चैप्टर ऑफ सिक्स स्टैंडर्ड सिविक्स, आवर लाइफ इन सोसाइटी। ओके, इन दिस पर्टिकुलर चैप्टर वी आर गोइंग टू डिस्कस दिस फोर पॉइंट। व्हाई डिड मैन फील द नीड फॉर सोसाइटी? 1.1, व्हाई डिड द मैन फील द नीड फॉर सोसाइटी? समाज को, मतलब हमें जीने के लिए समाज की क्यों ज़रूरत होती है। 1.2, द सोशल नेचर ऑफ मैन, इंसान का सोशल नेचर क्या है, ये हम इस पॉइंट में पढ़ेंगे। 1.3, आवर डेवलपमेंट, हमारे जो भी डेवलपमेंट हुई वाली है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। एंड लास्ट पॉइंट 1.4, व्हाट इज सोसाइटी, समाज क्या है, इसकी परिभाषा क्या है, दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस पॉइंट। ओके, नाउ लुक इन द फिफ्थ स्टैंडर्ड यू हैव लर्नड अबाउट इवोल्यूशन ऑफ मैन, ये इसके बारे में हमने फिफ्थ स्टैंडर्ड के चैप्टर में पढ़ा है। ओके, इवोल्यूशन ऑफ मैन, एंड इट टेल अस दैट आवर प्रेजेंट सोशल लाइफ, जो आज हम जो जी रहे हैं, जो सामाजिक जीवन हम जी रहे हैं, हैज़ टेकन शेप, इसको शेप लेने के लिए थ्रू अ प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन ओवर थाउजेंड ऑफ ईयर्स, हज़ारों साल लगे हैं हमें, हम जो आज सेटल्ड लाइफ जी रहे हैं, इस सेटल्ड लाइफ जीने के लिए हमें हज़ारों साल लगे हैं। मैन हैज़ मूव्ड फ्रॉम अ नोमैडिक स्टेजस, हमने देखा है कि जो नोमैडिक स्टेज थी या जो हमारी प्रिमिटिव स्टेज थी, उसमें इंसान एक जगह पर स्थित नहीं था, एक जगह पर सेटल्ड नहीं था, यहाँ से वहाँ वो माइग्रेशन करता रहता था, टू अ सेटल्ड सोशल लाइफ। लेकिन आज हम क्या है, सेटल्ड लाइफ, मैन हैज़ मूव्ड फ्रॉम नोमैडिक स्टेज टू अ सेटल्ड सोशल लाइफ, आज हम सेटल्ड सोशल लाइफ में जी रहे हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट वी हैव फर्स्ट पॉइंट। नाउ इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस फर्स्ट पॉइंट ऑफ दिस चैप्टर। ओके, व्हाई डिड मैन फील नीड फॉर सोसाइटी, इंसान को जीवन जीने के लिए और जीने के लिए समाज की ज़रूरत क्यों होती है, ऐसा उसे क्यों लगता है। ओके, नाउ लुक, अ स्टेबल एंड सिक्योर कम्युनिटी लाइफ इज़ नेसेसरी फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द इंडिविजुअल एज वेल एज सोसाइटी। देखो, इंसान को अगर हमारे खुद की प्रगति करनी है या समाज की डेवलपमेंट करनी है, अ स्टेबल एंड सिक्योर कम्युनिटी लाइफ, हमें कौन सी चाहिए, स्टेबल, ओके, स्टेबल लाइफ और सिक्योर कम्युनिटी लाइफ, जो सिक्योर मतलब हमारे जीवन की सुरक्षितता होनी चाहिए, इज़ नेसेसरी फॉर द डेवलपमेंट, और इसकी अगर हमें ज़रूरत क्यों होती है, फॉर डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल, मतलब इंडिविजुअली भी इसकी ज़रूरत होती है और समाज के लिए भी इसकी ज़रूरत होती है। इन द नोमैडिक स्टेज, जैसे मैंने बताया, नोमैडिक स्टेज मीन्स प्रिमिटिव स्टेज में हम क्या करते थे, माइग्रेट होते थे, यहाँ से वहाँ, ऐसा स्टेज में जाते हम माइग्रेट होते थे। मैन डिड नॉट हैव दिस स्टेबिलिटी एंड सिक्योरिटी, और उस समय इंसान को किसी भी तरीके की सुरक्षितता, सिक्योरिटी नहीं थी और स्टेबिलिटी नहीं थी, क्योंकि यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ, इस तरीके की वो लाइफ थी। व्हेन मैन रियलाइज्ड, जब इंसान को पता चला, रियलाइज्ड हुआ या जब समझा, दैट लिविंग इन अ ग्रुप प्रोवाइड सिक्योरिटी, अगर हम ग्रुप में रहते हैं तो हमें क्या, सिक्योरिटी मिलेगी। एंड पीपल केम टूगेदर टू डेवलप एंड ऑर्गेनाइज्ड वे ऑफ लाइफ, और इस तरीके से लोग एक साथ रहने लगे, एक साथ आ गए, ऑर्गेनाइज्ड हो गए और बाद में जीना शुरू किया। दिस वॉज वन ऑफ द मेन मोटिवेशन फॉर द क्रिएशन ऑफ सोसाइटी, और समाज निर्मिति का या समाज निर्माण जो हुआ है, यही मोटिवेशन था, यही मेन पर्पस था। लिविंग इन सोसाइटी मैन फेल्ड द नीड फॉर रूल्स, और इंसान को अगर समाज में रहना है तो उसके कुछ नियम ज़रूरत है, किसी के नियमों का पालन करना भी ज़रूरत है। रूल्स टू हेल्प विद द स्मूथ, ओके, स्मूथ लाइफ जीने के लिए उसके कुछ रूल्स को फॉलो करना।
functioning of day to day matters. It gave rise to conventions, traditions, ethics and values, rules and laws. Man's life in society become more organized and stable. और इस तरीके से रूल्स को फॉलो करने के बाद अलग अलग प्रथाएं हुई, रीति रिवाज, ट्रेडिशंस, एथिक्स, नीति और वैल्यूज, रूल्स एंड लॉज एंड मैंस लाइफ इन सोसाइटी बिकम मोर ऑर्गेनाइज्ड एंड स्टेबल. इस तरीके से इंसान की जो जीवन है वो स्टेबल बन गया. इन द नेक्स्ट वीडियो आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू पॉइंट नंबर 2, द सोशल नेचर ऑफ मैन. ओके, थैंक यू.